हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बायोलॉजी विजार्ड आदित्य शंकर पे। हमने जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट लिया था 005 T005, आज उसका सॉल्यूशन आपके सामने हम रख रहे हैं। सारे सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का, लगभग 50 क्वेश्चन थे, उनका सारा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो अगर देखा जाए, इस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था, अगर उसके अनुसार बात किया जाए, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा है एडिबल पार्ट ऑफ द टर्निप। टर्निप मतलब सलजम। सलजम का कौन सा भाग होता है जिसे हम खाते हैं? क्या वो स्टेम वाला होता है, क्या वो रूट वाला होता है? अगर इसकी बात करें, पहला क्वेश्चन मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, इसकी बात ही खत्म कर दो। और दूसरा है मॉडिफाइड टैप रूट। टैप रूट इसका सही एग्जाम्पल होता है, सही टॉपिक है, पॉइंट है। इसी में होता है नेपी फॉर्म। अगर नेपी फॉर्म की बात करें, नेपी फॉर्म रूट की बात करें, नेपी फॉर्म रूट की बात करें, तो वो आता है आपके टैप रूट में। और टैप रूट नेपी फॉर्म रूट आता है, उसी का एग्जाम्पल होता है टर्न। सही आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री। अगर बनियान ट्री की बात करें, मीन फॉर इसके लिए, सबसे पहली बात, अगर आप बनियान ट्री बनाते हैं, मान लीजिए ग्राउंड है और इस पे हमने बनियान ट्री बना दिया, और बनियान ट्री हमने जो बनाया, बहुत विशाल पेड़ होता है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़, आपने झूला झूला होगा उस पे, खींच के फिर झूला झूल के आगे बढ़ते हो। अगर हम बात करें तो इसमें रूट जो होते हैं रेडिकल के अलावा, मतलब प्लूमूल वाले भाग से, रेडिकल को छोड़ के कहीं और से निकलते हैं, तो ये जमीन में चले जाते हैं और इस विशाल काय बड़े से बरगद के पेड़ को सपोर्ट देते हैं। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो आपके सामने है, कौन सा होगा? पहला, रिस्पायरेशन नहीं, राइजोफोरा में होता है, स्टोरेज नहीं, टैप रूट में होता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ए बिग ट्री। और बिग ट्री की बात करें तो बरगद का पेड़ सबसे बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ध्यान से सुनना, वीट प्लांट की बात की गई है। प्लांट रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, कौन सा होता है? नोड्यूलेटेड होता नहीं है। टैप रूट की बात करें, इसमें होगा नहीं। और दूसरा और तीसरा जो है वो है आपका फाइब्रस। तो एग्जांपल की बात करें तीसरे का, तो फाइब्रस रूट होता क्या है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल की बात करें मतलब ये सॉयल वाला पोजिशन है। अगर सॉयल वाले पोजिशन की बात करें, ध्यान से देखना, हमने बोला एक निकलता है प्राइमरी रूट और कुछ समय बाद इसका जो लाइफ होता है वो खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे बहुत सारे फाइबर रेसे जैसे रूट निकल जाते हैं और ये जमीन से बहुत नीचे नहीं जाते हैं, जमीन से ही लगे रहते हैं, क्योंकि जब आप गेहूं कभी निकालो तो बहुत जल्दी उखड़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं फाइबरस रूट। फाइबरस रूट आपका, हम बात करें, ध्यान से सुनना, जो फाइबरस रूट होता है वो वीट प्लांट में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर फोर है राइजोफोरा। राइजोफोरा रूट मॉडिफाइड टू फॉर्म। अगर इस रूट की बात करें, ध्यान से सुनना, इसमें राइजोफोरा के साथ साथ एविसेनिया भी एग्जांपल होता है, राइजोफोरा के साथ साथ एविसेनिया भी होता है। और एक बात जान लेना, जैसे ये जो राइजोफोरा है होता है वो स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है। सर, स्वैम्पी एरिया मतलब क्या? कि दलदल वाले क्षेत्र में जहां हम नहीं रह सकते, स्वैम्पी एरिया की बात करें। और सुनना, यहां ये प्लांट आता है नीचे की तरफ और यहां साइड से कुछ इनके पार्ट निकलते हैं, और बात करें जो साइड से निकलते हैं इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, और ये ऑक्सीजन के मतलब लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इंटर करता है ऑक्सीजन इधर से। तो अगर देखा जाए कौन सा, तो ये जितने भी राइजोफोर्स एविसेनिया आते हैं सबके सब न्यूमेटोफोर्स में आते हैं, सबके सब न्यूमेटोफोर्स में आते हैं। और इनकी बात करें तो आप देखो, पहला ट्यूबरस कोई चांस नहीं है, स्टिल्ट रूट कोई चांस नहीं है, स्टोरेज टैप रूट में आ जाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा कि राइजोफोरा रूट आर मोडिफिकेशन। किसका मोडिफिकेशन, किसका परिवर्तन है? तो आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफोर्स। अगला ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि भाई साहब, जो आपका सूट और स्टेम, सूट मतलब क्या? स्टेम वाला भाग, ये डेवलप कहां से होता है? ध्यान से देखना, जैसे हमने बोला ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान से देखना,
ये ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल के नीचे होता है रूट, जड़ तो नीचे ही होता है सबको पता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, समझ गए हो गए? हाँ। और इसके ऊपर होता है स्टेम, इस वाले भाग को हम बोलते हैं सूट वाला भाग, सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, ऊपर वाला रूट सूट सिस्टम, नीचे वाला रूट, और ऊपर है कौन बेटा? स्टेम है, और नीचे कौन है? रूट है। तो ध्यान से देखो, लिखा है सूट या स्टेम, डेवलप कहां से होता है? अब हमने एक सीड बना दिया डाइकोटिलीडन, और हमने बोला ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, और ऊपर होता है प्लीम्यूल और नीचे होता है रेडिकल। ये जो प्लीम्यूल वाला भाग है, ध्यान से देखना, प्लीम्यूल वाला भाग है यही बनाता है आपका स्टेम, यही बनाता है आपका स्टेम। और जो रेडिकल वाला, कौन सा भाग? रेडिकल वाला भाग है, ये बनाता है आपका रूट। ध्यान से समझ में आया कि नहीं? तो लिखा है सूट स्टेम डेवलप फ्रॉम, कहां से भैया? अगर रूट की बात करता तो हम रेडिकल लगा देते, लेकिन ये होगा नहीं, इंडोस्पर्म कोई चांस नहीं। हमने बोला सूट स्टेम, सूट स्टेम एक ही चीज है, क्योंकि दोनों ऊपर की बात कर रहा है, जमीन के नीचे की बात कर नहीं रहा है। तो प्लीम्यूल से, क्योंकि हमने बताया ये सीड है, प्लीम्यूल ही निकालता है स्टेम, या हम बोल सकते हैं सूट। समझ में आ गया होगा? हाँ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, ध्यान से देखना, व्हाट इज द आईज ऑफ पोटैटो, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो की बात करें, तो ये एक मॉडिफिकेशन होता है किसका? स्टेम का। फर्स्ट पॉइंट, ये मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है किसका? मतलब स्टेम परिवर्तित होके ये बनाता है क्या? आपका पोटैटो। अब इसमें आता है ट्यूबर, कौन आता है? ट्यूबर आता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए आलू है, आलू मतलब पोटैटो की बात कर रहे हैं, और पोटैटो में बहुत सारे आईज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आईज पाए जाते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो, और इन्हीं पोजीशन को जहां से निकलते हैं इन्हीं को बोलते हैं एक्सिलरी बड्स, इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड्स। ये बात समझ में आ गई होगी? बोल हाँ या ना। हाँ सर, देखा जाए एक्सेसरी बड्स होगा नहीं, एपिकल बड्स होगा नहीं, और एडवेंटिशियस बड्स का कोई चांस नहीं। तो एग्जाम्पल में आपके पहला जो ऑप्शन दिया है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड्स, तो पहला ऑप्शन सही है कि जो पोटैटो का आईज होता है वो कहां से निकलता है? एक्सिलरी बड्स से। आपको क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। अगर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला मतलब पोटैटो का खाने वाला, कौन सा पार्ट होता है? रूट होता है, स्टेम होता है? ध्यान से सुनना, अभी हमने बताया था आपको कि ये मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन मतलब परिवर्तन, किसका परिवर्तन होता है? स्टेम, मतलब स्टेम परिवर्तित होके बनाता है पोटैटो, और अपन लोग खाते क्या है? पोटैटो का स्टेम। क्या खाते हैं? स्टेम। तो इन्फ्लोरेसेंस होगा नहीं, रूट होगा नहीं, और लीव्स का कोई चांस नहीं, हमने बताया स्टेम। तो आपके सेवंथ क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट। अगर क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, पहला, अल्टरनेटिव फाइला टॉक्सी इज प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हमने बोला आपका कौन सा? हमने बोला अल्टरनेटिव, मतलब कि ये मान लीजिए आपका स्टेम का एक ब्रांच हो गया। हमने बोला यहां नोड्स हैं, और हमने बोला यहां भी नोड्स हैं, यहां भी नोड्स, और लीफ जो निकल रहा है एक इधर निकल रहा है, दूसरा वाला इधर निकल रहा है, तीसरा वाला इधर, और अगला इधर। देखो अल्टरनेट है, एक इधर तो दूसरा इधर, दूसरा इधर तो तीसरा इधर, तीसरा इधर तो चौथा इधर। यहां आप देख रहे हो अल्टरनेट दिख रहा है, और अल्टरनेट जो फाइलोटॉक्सी होता है मतलब लीव्स का, पत्तियों का एक के बाद दूसरी जगह निकलना, वो क्या होता है? अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। और इसका एग्जांपल है चाइना रोज। बेटा रट्टा मार लो सारे एग्जांपल, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज। अगला क्वेश्चन नंबर नाइन। अगर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें कि भैया जो जिग जैग डेवलपमेंट होता है फ्लावर का, किस पे? इन्फ्लोरेसेंस। ध्यान से सुनना, हमने इन्फ्लोरेसेंस बनाना स्टार्ट किया, और हमने बोला ये नोड है, वही सेम अल्टरनेट, जिग जैग मतलब घबराना नहीं, जिग जैग मतलब होता है अल्टरनेट। हमने बोला ये नोड है, ये नोड है, हमने बोला इधर एक लीफ निकला, इधर एक लीफ निकला, इधर एक लीफ निकला। अब ध्यान से सुनना, अल्टरनेट, एक इधर तो दूसरा इधर, दूसरा इधर तो तीसरा इधर, और चौथा इधर। तो हमने बोला एक इधर है तो दूसरा इधर, एकदम अपोजिट नहीं है कि एक इधर इसी के अपोजिट दूसरा, ना, एक इधर दूसरा इधर, तीसरा इधर चौथा इधर, इसी को अपन बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। और इसी को बोलते हैं जिग जैग।
क्लियर, समझ में आ गया होगा। आओ भैया अगर हम बात करें इसमें कि जिगजैग डेवलपमेंट, जिगजैग डेवलपमेंट की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, अल्टरनेट होगा, सबको पता है जिगजैग इन्फ्लोरेसेंस, तो इसका आप सबसे बेहतरीन आप लगा देना साइथियम, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला नाइन्थ की बात करेंगे, अगला है आपका टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं। ये चल किनारा, क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टेन की अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, द फ्लोरल ऑर्गन एग्जिस्ट फ्रॉम, मतलब जितने भी फ्लावर के पार्ट होते हैं निकलते कहां से हैं। जैसे हमने एक फ्लावर का पार्ट बनाया, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया थैलेमस, क्या हो गया थैलेमस हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर होता है ओवरी, ओवरी के ऊपर होता है स्टाइल, और हमने बोला सबसे ऊपर होता है आपका स्टिग्मा, और यहीं पे आपका पाया जाता है स्टेमन पाया जाता है, जो कि फिलामेंट और एंथर ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, और हमने बोला यहीं पे पेटल भी पाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे देखा जाए नीचे की तरफ सेपल। तो सारे के सारे पार्ट कहां से निकल रहे हैं, थैलेमस से निकल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर टेन का जितने फ्लावर के पार्ट हैं सबके सब कहां से निकल रहे हैं, मदर एक्सिस को काट दीजिए, रूट को काट दीजिए, थैलेमस को बिल्कुल मत काटिएगा, क्योंकि हमने यही आंसर आपको बताया, और चौथा पेडिसेल को भी काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है आगे पॉइंट, द फोर्थ होल ऑफ फ्लावर इज, जो लिखा है फोर्थ होल ऑफ फ्लावर इज, अगर इसकी बात करें ध्यान से देखना भैया, कार्पेल को हम बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं पिस्टिल, तो कहीं पिस्टिल लिखा जाता है कहीं कार्पेल, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी की पॉइंट है, इपीगाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, मतलब इपीगाइनस फ्लावर किसमें देखा गया, तो भैया एक चीज याद रखना, जो थैलेमस इनका होता है, कौन होता है थैलेमस, अगर थैलेमस की बात करें वो पूरे ओवरी को घेर के रखता है, मतलब इसके अंदर ही ओवरी पड़ा रहता है, घेर के रखता है, तो हमने बोला ये देखा कहां गया, इपीगाइनस फ्लावर, और इपीगाइनस फ्लावर देखा गया था ना तो मस्टर्ड, ना तो चाइना रोज, ना तो ब्रिंजल, देखा गया था कुकम्बर में। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13वां का सुनना, जो ओवरी है, क्या बोलता, जो ओवरी है हाफ इंफीरियर इन दी फ्लावर, भाई साहब जहां पे भी हाफ इंफीरियर आए तो ध्यान देना, ये एग्जाम्पल रट्टा मार लो, वो एग्जाम्पल होता है पीच, एप्पल नहीं होगा, गुआवा नहीं होगा, गार्लिक, ये सारी चीजें एग्जाम्पल याद करने वाली चीजें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये ना सोचिए कुछ समझना है, इसमें आपको सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि जो ओवरी होता है वो हाफ इंफीरियर होता है, आधा अंदर आधा बाहर, हमने बोला फ्लावर कौन से के में बेटा, पीच में ऐसा देखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान से सुनना, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन इन पी, सुनना, प्लेसेंटेशन मतलब कि ओव्यूल कहां पाए जाते हैं आपके ओवरी, मतलब फ्रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, जैसे प्लेसेंटेशन इन पी, आपने मटर ना देखा होगा, हाँ सर, और इसमें एक रिज देखा होगा, दोनों छिम्मी छिम्मी जब छिलते हो दो साइड मिलते हैं, जिनको हम सूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सूचर, उभरा हुआ रिज, उभरा हुआ चीज क्या कहलाता है रिज, मतलब ये उभरा हुआ जो भाग है इसको हम रिज बोलते हैं, इसी ओव्यूल पाया जाता है, और ये होता है मार्जिन में, कहां होता है मार्जिन, तो सुनना ध्यान से, पी प्लांट में और बीन में, बीन मतलब सेम, उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये होता है मार्जिनल, क्या होता है मार्जिनल होता है, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ऑप्शन में कौन सा होगा, एक्सियल होगा नहीं, पेराइटल होगा नहीं, बेसल होगा नहीं, तो होगा आपका मार्जिनल, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पे, ध्यान से सुनना, वही सेम भाई साहब, वही आ गया, फोर्थ होल ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन, कहां पे अरेंज होता है, सबसे एकदम आसान, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, थैलेमस पे होता नहीं है, पेटियोल पे होता नहीं है, स्टेमेन पे होता नहीं है, इसका सही एग्जाम्पल होगा, सही ऑप्शन होगा कोरोला। तो अगर पूछा जाए फोर्थ होरल जो होता है वो फ्लावर
फ्लावर के कहां पे अरेंज होता है? तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे भाई साहब क्या कि ये कोरोला पे होता है, क्या लगाओगे कोरोला। समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आइए 16 पे आइए। हमने बोला द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हैज, अब भैया इसको याद तो करना ही पड़ेगा, वो सुपीरियर ओवरी होता है, इंफीरियर होता है, क्या होता है याद रखना पड़ेगा। तो इसका सबसे बेहतरीन होता है इंफीरियर, जिसको हम इपीगाइनस भी बोलते हैं, याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं इपीगाइनस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इंफीरियर, याद कर लेना क्योंकि ये चीजें समझाने वाली अलग है लेकिन एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अ ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम, भैया याद रखना हमने बोला कि जो ट्रू फ्रूट है वो डेवलप कहां से होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखना, जो ओव्यूल होता है वो बनाता है आपका सीड, पॉइंट नंबर फर्स्ट। और पॉइंट नंबर सेकंड, जो ओवरी होता है वो आपका बनाता है फ्रूट। इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी, चल भैया हाँ ठीक। अब सुनना, अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो वो फ्रूट कहलाएगा ट्रू फ्रूट, क्या कहलाएगा ट्रू फ्रूट कहलाएगा। और ओवरी के अलावा कहीं से भी बने तो वो कहलाता है आपका कौन सा, वो कहलाता है आपका फॉल्स फ्रूट। अगर थैलेमस बन रहा है तब भी वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, और बिना फर्टिलाइजेशन का जो बनता है उसको पार्थिनोकार्पिक। तो याद रखना ओवरी से जो बनेगा वो होगा आपका ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अलावा जैसे थैलेमस, जैसे आपने देखा होगा सेब, सेब एप्पल, वो थैलेमस से बना होता है तो फॉल्स फ्रूट होता है। तो हमने बोला ट्रू फ्रूट, तो एग्जांपल ऑप्शन देखिए, पहला ओवरी, पहले ही मिल गया ओवरी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ध्यान से, द स्टोनी हार्ड पार्ट, मतलब स्टोन के कितना हार्ड पार्ट जो मैंगो का होता है वो रिप्रेजेंट किसे करता है। भाई साहब हमने एक मैंगो बना लिया, क्या बना लिया मैंगो, और हमने सबसे अंदर वाला एक भाग बना लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, दिख रहा है हाँ। अब इसमें हमने देखा सबसे ऊपर वाला होता है इपीकार्प, सबसे ऊपर वाला इपीकार्प होता है, बीच वाला मीजोकार्प होता है, और सबसे अंदर वाला होता है इंडोकार्प। और भैया इंडोकार्प मतलब समझी गए, सब कुछ खाने के बाद आप फेंक देते हो उसी को हम बोलते हैं इंडोकार्प। तो भैया मीजोकार्प होगा नहीं, इपीकार्प होगा नहीं, इंडोस्पर्म होगा नहीं, तो सही ऑप्शन है इसका इंडोकार्प। समझ में आया हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ध्यान से ये भी याद करना पड़ेगा आपको, हमने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंडोस्पर्मिक सीड, मतलब इसमें इंडोस्पर्म जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमने बोला सभी यार सबसे बेहतरीन इसका फोर्थ ही ऑप्शन होगा, दिख रहा होगा ये एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब इसका ना तो थर्ड ना तो सेकंड होगा ना तो फर्स्ट, इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि जो स्टेम है डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, मान लो कोई कॉटिलीडन हो, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, सुनना, ये आपका होता है प्लीम्यूल, क्या होता है प्लीम्यूल होता है, और नीचे वाला होता है रेडिकल। अब ध्यान से सुनना, रेडिकल से निकलता है रूट, क्या निकलता है रूट, और प्लीम्यूल से निकलता है स्टेम, और ये होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये बात समझ में आ गई होगी हाँ। हमने बोला कि दिखा है कि आपका जो स्टेम है डेवलप हो रहा है कहां से, विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, मान लो कोई सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है तो उसका स्टेम वाला भाग कहां से डेवलप हो रहा है। तो हमने बोला स्टेम वाला भाग कहां से डेवलप हो रहा है, भैया क्या लिखा हूं प्लीम्यूल, क्या लिख दिया हूं प्लीम्यूल, माइक्रोपाइल भी नहीं, रेडिकल्स निकलता या रूट, और स्पर्म की बात ही खत्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे, अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भैया ये मोनोकॉटिलीडन का है, स्कूटेलम जहां भी आ जाए समझ लेना मोनोकॉट की बात कर रहा है। तो अगर 21 की बात करें तो एकदम दिमाग में रखना, स्कूटेलम जहां भी आए तो मोनोकॉट लगा देना, ना कि डाइकॉट, ना कि लीफ बड्स, ना कि ननाफ्थिस। तो ये क्या लिखेंगे बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 22, जाइगोमॉर्फिक ऑफ फ्लावर, सर जहां भी जाइगोमॉर्फिक आपको नजर आए, क्या नजर आए जाइगोमॉर्फिक नजर आए, मतलब समझ लेना बाइलेटरल सिमेट्री, किसकी बात कर रहा है बाइलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हाँ।
और सर बाइलेटरल सिमेट्री की अगर बात करें, ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए हमने एक फ्लावर बनाया इस तरीके का, ध्यान से देखना, और इधर भी सेम चीज हमने कर दिया, इधर भी, और इसको हाफ भाग में काटेंगे तो दोनों तरफ एक जैसा है, दोनों तरफ एक जैसा, इधर भी एक जैसा है और इधर भी एक जैसा, तो इसी को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और इसका जो एक आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा पी गुलमोहर बीन कैसिया, और देखा जाए तो ये सबके सब आते हैं फैबिएसी में, मतलब जितने दाल वाले लेगुमिनेसी वाले आते हैं आपके फैबिएसी में। क्वेश्चन नंबर 23, अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इनफ्लोरेसेंस इन लिलियेसी जनरली कैसा होता है, यार याद कर लेना, आपका फैमिली लास्ट में दिया है और फैमिली में दिया सॉलिटरी होता है और साइमोज होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी एक भी इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ध्यान से सुनना, इनफ्लोरेसेंस इन सोलेनेसी, भैया जो सोलेनेसी होता है इसका इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, इसका होता है साइमोज, याद कर लेना जितने फैमिली हैं और साले सारे फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस दिया होगा, एग्जाम्पल दिया होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका 24 का सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ, अगर 25 की तरफ बात करें, जो एट्रोफा बेलाडोना होता है ये इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होता है और कौन से फैमिली में पाया जाता है, अगर 25 की बात करें तो इस ये फैमिली सोलेनेसी पाया जाता है, फैमिली पाया जाता है सोलेनेसी, तो 25 एड्रोपा बेलेडोना जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है और ये पाया जाता है सोलेनेसी में, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बीन एंड ग्राम किस बात करेंगे, बीन एंड ग्राम बिलोंग दी फैमिली, सर आपके दिमाग में तुरंत आएगा लेगुमिनेसी, कौन सी फैमिली, लेगुमिनेसी, लेकिन यहाँ पे दी नहीं गई है तो आप क्या मारोगे, फैबिएसी, क्योंकि फैबिएसी के अंदर ही आते हैं आपके लेगुमिनेसी, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, सर ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, फ्लोरल फार्मूला, जैसे डेंटल फार्मूला हमारे में होता है, जैसे एडल्ट में 21-23, 21-23 और बच्चों में 21-02, 21-02, ऐसे इनमें भी फ्लावर का कुछ फार्मूला होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे हमने आपको बताया होगा, सुनना, अगर ये फ्लोरल फार्मूला किसमें देखा गया है, अब ध्यान से देखना, ये देखा गया आपके टोमेटो और ब्रिंजल में देखा गया है, अब सुनना, ओनियन गार्लिक में नहीं होता है, पी बीन में नहीं होता, लगाना नहीं, सही ऑप्शन टोमेटो और ब्रिंजल, आपको ये एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा और फ्लोरल फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में एक ना एक फ्लोरल फार्मूला पूछा जाएगा या उससे बेस्ड कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 28, लो भैया फिर आ गया फ्लोरल फार्मूला और पूछ रहा है कौन से फैमिली में ये बिलोंग करता है, तो बिना सोचे समझे लगा दो लिलियेसी, क्या लगा दो, लिलियेसी, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, हमने बोला ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है फार्मूला कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ना तो लेगुमिनेसी मतलब फैबिएसी, ना तो लेबिएटी, ना तो गैमी, ये बिलोंग करता है आपके लिलियेसी से, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 29, अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जो ल्यूपिन होता है, कौन होता है, ल्यूपिन, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ल्यूपिन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ना तो मालवेसी, ना तो फैबिएसी, ना तो सेलेनेसी, सिर्फ और सिर्फ बिलोंग किससे करता है, लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, कभी कभी दिक्कत कर जा रहा है, अब दिक्कत क्या कर रहा है हमको खुद नहीं पता, अब ये बता पाएंगे आशीष सर क्या दिक्कत कर रहा है कभी कभी बीच में, नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, इतना मैनेज कर लेंगे, आप परेशान ना होइए, हमारे आशीष सर हैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, मल्टी टैलेंटेड मतलब सब कुछ कर लेते हैं, अब सब कुछ मतलब आप समझ गए होंगे, आइए हम भी सीख रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति ले रहे हैं इनसे, हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, आइए सर सुनिएगा, हमने बोला इन ये भैया, हमने बोला पी प्लांट और मतलब मार्जिन मतलब रीज होते हैं और उन्हें पे पाया जाता है फ्यूल बनाता है सीड जो हम खाते हैं ठंडी के समय, हमने बोला तो हमने बोला मार्जिन पे कहाँ होते हैं, मार्जिन पे होते हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं मार्जिनल, या मार्जिनल पे मार दीजिए। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 31,
अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इसको ध्यान देना भाई साहब, हम पहले ही आंसर आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देना। मैच करना है कॉलम, क्या करना है, मैच करना है आपको कॉलम, और इसका पहला जो ऑप्शन है वो है पहला, एकदम याद। सुनना कैसे, लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है आपके सामने दिख रहा है, हमने बोला बी का थर्ड, जाइगोमार्फिक जैसे मतलब बात कर रहा है, आगे आ जाओ। एक्टिनोमार्फिक की बात करें कि कौन सा होता है सेकंड पे, ब्रैसिका, मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे आप में कभी कभी सिर्फ मस्टर्ड लिखा होता है, उसका साइंटिफिक नाम नहीं लिखा होता है, आगे लिखना। अगला है एसिमेट्रिक, कहां देखा गया है, तो एसिमेट्रिक देखा गया है कान्ना में, किसमें देखा गया है, कान्ना में देखा गया है। इसका आंसर आप शायद समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। आगे बढ़िए, आगे अगर हम पढ़े तो ध्यान से देखना आगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, वो भी परेशान है हमारे आशीष सर, कितना जल्दी खत्म हो जाए, और हम इतना जल्दी खत्म करेंगे नहीं, आराम आराम से, प्यार प्यार से। आशीष भैया गलत कह रहे हैं, सही है ना, तो आराम से, कोई दिक्कत, आज ये सेवई बनाएंगे, सेवई पूड़ी पनीर खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, पक्का, अगर नहीं खिलाएं तो गड़बड़ है मामला, पचेगा नहीं, सुबह डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन निकलेगा, डल 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 डल। आई एक आइए, आप कह दिए मैं खा लिया, थैंक यू सो मच। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इनर होता है किसका, सीड कोट, भाई साहब बिना सोचे समझे मार दो, क्या एगमेन मार दो, ना कि टेस्टा, ना कि माइक्रोपाइल, ना कि हाइला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं, तो सुनना, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन दे स्ट्रक्चर हेल्प टू, हाइपोजियल जो सीड होता है जर्मिनेशन, अगर इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेल्प किसमें करता है, तो ध्यान से सुनना, ये हाइपोजियल सीड जो होता है हेल्प किसमें करता है, तो ध्यान से सुनना, ये होता है आपके पुश द कॉटिलीडन इनसाइड द सॉयल, क्या करता है, पुश द कॉटिलीडन इनसाइड द सॉयल। तो भैया इसका सिंपल सा आप लगा दो इपिकोटाइल, क्या लगा दोगे, इपिकोटाइल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 भैया, द फ्लोरल फार्मूला पी का पूछ रहा है रिप्रेजेंटेड बाई, तो ध्यान से देखना ये रिप्रेजेंटेड किसके द्वारा होता है, पी किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, 34 का अगर देखा जाए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन 34 का अगर देखा जाए कौन सा होगा, आगे बढ़ते हैं, इसका सही बताइए कौन सा होगा, पी में, पी मतलब मटर, लेगुमिनेसी की बात कर रहा है, और लेगुमिनेसी की बात करें तो ध्यान से देखना, लेगुमिनेसी मतलब पीबीएसी की बात कर रहा है, तो पीबीएसी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको पता है 9+1 कहां लिखा है, आप ध्यान से देखो, 9+1 जहां भी आपको देखने को मिले वहीं मार दो, लो भैया पहला हो जाएगा, तो 34 का कौन सा हो गया, फर्स्ट सही हो गया। आगे बढ़िए, अब देखना 31 का फर्स्ट, यहां 9 कॉलम में है कि 9 कॉलम में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट और ये देखना जरूरी आपके है, तो यहां 9 जो 9 वो आपके ब्रैकेट में है, किसमें, ब्रैकेट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें यार सिंपल, बी आर मतलब होता है आपका ब्रैक्टिएट, क्या होता है, बी आर मतलब होता है ब्रैक्टिएट होता है, और के मतलब होता है आपका कैलिक्स, क्या होता है, कैलिक्स होता है, और सी मतलब होता है कोरोला, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और पी मतलब होता है पेरियंथ, पी मतलब क्या होता है, पेरियंथ होता है, याद रखना इस चीज को। आ जाओ भैया, हमने बोला बी मतलब बी आर मतलब ब्रैक्टिएट, तो बी आर को लगा फोर्थ के साथ, के मतलब कैलिक्स, इसको लगा दो कैलिक्स के साथ, और सी मतलब कोरोला, इसको लगा दो कोरोला के साथ, और पी मतलब पेरियंथ, समझ में आ गया, बी ब्रैकेट, देखो पहले में ए का चौथा, इसमें भी चौथा, इसमें मतलब ये नहीं होगा, हटा दो, के मतलब कैलिक्स देख लो, मतलब बी का कौन सा है, बी का थर्ड होना चाहिए, तो इसमें से आप इसको भी हटा दो और हटा दो, आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, हाँ एक मिनट ध्यान से सुनना, कुछ गड़बड़ी हुआ है इसमें, ध्यान से देखना, के मतलब कैलिक्स है, आ जाओ, ए का फोर्थ सही है, बी का आप जाएगा थर्ड, कौन सा थर्ड, चलिए भैया बी गया थर्ड, हाँ सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही। आगे बढ़ते हैं, हमने बोला 36 क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें,
अरे यार ये क्या, इसमें तो बहुत आसान है। हमने बोला बी फाइब्रस ग्रासेस में पाए जाते हैं, घास फूस में पाए जाते हैं, इसकी बात छोड़िए, आइए लिखिए। ए लिखा है, ए ये है और बी ये है, टैपरूट सिस्टम पाउंड इन मेजर। पहला ही ऑप्शन आपका सही मिल गया, इसके बाद लगाने की जरूरत, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 37 क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें, 37 में क्या लिखा है सुनना। ये जो आप रूट सिस्टम देख रहे हैं, सबसे पहला आपका होता है प्राइमरी, कौन सा होता है प्राइमरी, प्राइमरी से निकलता है, उसके बाद निकलता है टर्शियरी। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल, हाँ ये डेवलप कहां से होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 38 का, अरे यार अल्टरनेट की बात की है, और अल्टरनेट की जहां बात करे तो सोचे समझे बिना चाइना रोज और मस्टर्ड पे लगा दो, ये टॉक्सिक है, अल्टरनेटिव है, क्या है अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव मतलब होता है भाई साहब कि मान लो ये है आपका एक इधर दूसरा इधर तीसरा इधर चौथा इधर, मतलब एक के बाद दूसरा ऐसे ऐसे करके निकलता है, जो एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड और चाइना रोज। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, लो भैया फिर आ गया वही आपका, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंटेड। यार सिंपल सी बात है, ये आपके ना तो रूट बड्स होते क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ना तो लीफ बड्स होते क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ना तो फ्लावर बड्स होते हैं क्योंकि फ्लावर का भी मॉडिफिकेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नोड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नोड्स। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 की, अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ध्यान से हमारी बात को आप सुनना। हमने क्या बोला, अ कंपाउंड लीफ, क्या बोला बे ध्यान से सुन, कंपाउंड लीफ गिवन इन द डायग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पी प्लांट लीफ आर फाउंड, मतलब इस प्रकार का जो लीफ है पत्तियां हैं कौन से प्लांट में पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये पहली बात होल्ड है, और होल्ड की बात करें तो सबको पता होना चाहिए कि होल्ड जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये होगा नहीं आपका, ये काट दो, और बात करें बनाना भी नहीं होगा, काट दो, और अब बनियान भी नहीं होगा, इसको भी काट दो, सिल्क कॉटन, क्या लगा दो सिल्क कॉटन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान सुनना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम नोन एज, भैया जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइलाटॉक्सी, क्या बोलते हैं फाइलाटॉक्सी बोलते हैं, और भैया ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव, कौन सा होता है अल्टरनेटिव होता है, और एक होता है अपोजिट वाला होता है, और जो अगला आप देख रहे हो वो होता है आपका कौन सा होल्ड होता है। और ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें ये लीव्स का अरेंजमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है लीव्स का अरेंजमेंट कहलाता है, कैसे लीव्स लगाए जाते हैं। अब हमने बोला अल्टरनेटिव में मान लो कोई इनफ्लोरेसेंस है, ऐसे लीव लगा, ऐसे लीव लगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव फाइलाटॉक्सी, और मान लो कोई इनफ्लोरेसेंस है एक इधर, उसके दूसरे अपोजिट साइड अगर लीफ लग गया है, पत्ती लग गया है अपोजिट, और मान लो इनफ्लोरेसेंस है और यहीं पे सारे के सारे एक जगह लग जाए, तो ये होता है होल्ड। अब समझना, तो इसका एग्जांपल ना तो इनफ्लोरेसेंस होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ध्यान सुना, इनफ्लोरेसेंस हो सकता है क्योंकि हमने सारा किस पे लगाया, इनफ्लोरेसेंस पे ही लगाया है, तो हमने बोला लिखा है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फाइलाटॉक्सी, क्या बोलते हैं फाइलाटॉक्सी बोलते हैं, तो इसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा नन होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा नन हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि लीव्स को अरेंज कहाँ किया जाता है तो आपका इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, और अगर ये बोला जाए लीव्स का अरेंज करना इन्फ्लोरेसेंस पे क्या कहलाता है, तो आपका ये डेफिनेशन का जो एक शीर्षक निकलेगा, एक समरी पूरा अगर कैलकुलेट करके करें तो उसको हम बोलते हैं फाइलाटॉक्सी। समझ में आया, अगला अगला क्वेश्चन, टिपिकल लीफ स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम, बहुत कठिन है भैया स्ट्रक्चर और क्लियर दिख भी नहीं रहा है, लेकिन टेंशन ना लो, हम है आगे, ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताइए भैया। पहला अगर बात करें लैमिना, उसकी बात ही छोड़ दो, चलो भैया चौथे की बात करें तो चौथा होता है स्टिप्यूल, कौन होता है स्टिप्यूल होता है, ध्यान से सुनना, और इसकी बात ही छोड़ दो क्योंकि शायद हाँ दिया है, इसको बोलते हैं पेटियोल, क्या बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं, और अगर बात करें आपका एक एक स्टेप की बात करेंगे तो इसमें सही आंसर की बात करें तो 42 की अगर बात करते हैं तो इसमें सही आंसर जो होता है वो था लीफ बेस, कैसे जो दूसरा है इसको बोला जाता है लीफ बेस, क्या बोला जाता है लीफ बेस बोला जाता है, और पांचवा जो है उसको बोला गया है एक्सिलरी
बट, समझ में आया? और बाकी आप मिला लेना, कोई भी आंसर इसका सही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अगर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर स्टडी द गिवन फिगर, जो फिगर दिया उस पर स्टडी करिए और आइडेंटिफाई, पता करिए काइंड ऑफ पाइलोटॉक्सी, कौन से प्रकार का। अबे यार सिंपल, बगल में बनाते चलो, हमने बोला इधर लीप है, इधर लीप है, इधर लीप है, इधर लीप, इधर, ये हो गया अल्टरनेटिव। तो पहला कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेटिव हो जाएगा। इधर आओ, एक है ऐसे मान लो, है एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, अगला इधर, 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 अपोजिट पे है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपोजिट। और मान लो ये हमने पाइलोटॉक्सी बनाया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सब एक ही जगह पे इकट्ठा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड बोलते हैं। तो ध्यान देना, पहला कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेटिव हो जाएगा। तीसरा, तो ये देखो, पहले में क्या दिया है? अल्टरनेटिव। दूसरे में क्या दिया? अपोजिट। तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में दिया है आपका होल्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, जो डायग्राम दिया है थ्री प्लांट का, कितने प्लांट का? तीन, ए, बी और सी, आर मोडिफाइड, परिवर्तित है, किसके लिए? स्टोरेज, मतलब इनको हम खा पी सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सुनना। पहला अगर बात करें, सलजम होता है टर्निप, दूसरा होता है आपका गाजर, तीसरा होता है मूली, और ये सब ए बी सी आल आर मोडिफिकेशन। आप इस टाइम भैया पहली बार सब मोडिफिकेशन होते रूट के, आ जाओ सेकंड, ए बी आर मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। एडवेंटिशियस कार्ड दो, होने का चांस ही नहीं है। सी इज मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ये भी सही है, लेकिन तीनों की बात की गई है तो देखा जाए इसका सेकंड भी सही है और थर्ड फोर्थ भी सही इसका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45। अरे यार, हमने बोला इन द गिवन सेक्शन ऑफ ओनियन प्याज लेवल फ्लैसी स्ट्रक्चर, भैया फ्लैसी के आगे लिख दो लीव्स, क्या लिख दो? लीव्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, फ्लैसी, करेक्ट। ए मोडिफिकेशन, ए के नीचे क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा, और यहाँ आपके एनसीईआरटी में भी दिया है फ्लैसी लीव्स, तो इसका सही ऑप्शन स्टेम तो होगा नहीं, रूट होगा नहीं, इनफ्लोरेसेंस होगा नहीं, सही हो जाएगा आपका लीव्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 46, आइए आगे बढ़ते हैं। Which set of plant are having flower with half inferior ovary? ला भैया, half inferior ovary की बात करें तो याद रखना प्लम होता है, पीच होता है, जो कि थैलमस कप लाइक होता है उसमें, ठीक है ना, मतलब थैलमस का शेप कैसा होता है? थैलमस का शेप उसमें कप लाइक दिखता है, समझ में आ गया होगा। आ जाओ भैया, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, रट लो भैया, प्लम और पीच किसका एग्जाम्पल होता है? इंफीरियर ओवरी का। किसका एग्जाम्पल होता है? इंफीरियर ओवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, ध्यान से सुनना, अरे यार फिर वही चीज, गिवन फिगर शोइंग रिलेटिव ऑप्शन पोजीशन ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल पार्ट ऑफ द थैलेमस एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, एनसीईआरटी का उठा के हमने रख दिया है। तो अगर एनसीईआरटी का उठा के रख दिया, सुनो, अगर देखा जाए जो पहला है ये तो हाइपोगाइनस हो जाएगा, देखो इनको काट दो, इनको रख दो, ठीक है। दूसरा जो होगा वो पेरीगाइनस होगा, देखो इनमें, देखो पेरीगाइनस कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको काट दो, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और सी वाला भी पेरीगाइनस सही, डी वाला इपीगाइनस सही, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की बात, नॉर्मली दी एंथर, लो भैया हमने बोला ये थैलेमस होता है, थैलेमस की बात करें ध्यान से सुनना, यहां ओवरी होगा, भैया आशीष सर यहां क्या होगा? ओवरी, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, क्या होगा? ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, नहीं बोलेंगे, गुस्सा गए, खुशी नहीं हो रहा है, लास्ट में पहुंच रहे हैं। हमने बोला ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और यही पे होता है फिलामेंट, और इसी पे दो लोब में होता है एंथर, कौन होता है? एंथर। तो देखा जाए ये फ्लावर का पार्ट है, तो एंथर में कितने लोब दिख रहे हैं? दो, L1 और L2। तो पढ़ो ऑप्शन, मोनोलोब एक लोब नहीं होता है, चार लोब नहीं होता है, पांच लोब नहीं होता है, कितना होता है? दो, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं 49, आप सांस में सांस आई, आइए भैया आगे बढ़िए। अरे यार मत पढ़ो, इसको पी क्यू आर बोला है, मत पढ़ो। सबसे ऊपर वाला होता है स्टैंडर्ड, कौन सा होता है? स्टैंडर्ड, और नी क्यू वाला इसके आगे लिखो, सबसे ऊपर होता है स्टैंडर्ड, कौन सा दिया? हाँ सही, स्टैंडर्ड होता है, और उसके नीचे होता है विंग, क्या होता है बाबू? विंग होता है, और सबसे नीचे होता है कील। देख लो भैया कहाँ दिख रहा है आपको ये, आओ, पहला स्टैंडर्ड, हाँ
ये भी सही, ये गलत हो गया, आ जाओ दूसरा विंग, ये भी गलत हो गया, तीसरा एला, इसी को बोलते हैं विंग कोई, तो कील, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आओ भैया आखिरी वाला देख लेते हैं, सांस में, अब सांस आई है कि नहीं आशीष सर, आई कि नहीं आई? हाँ कहा ना, अरे सर छोड़ दीजिए भैया, एक्टिनोमार्फिक होगा नहीं, जाइगोमार्फिक होगा नहीं, एब्सेंट होगा नहीं, तो ए सिमेट्री इसका सही आंसर। अरे यार काना का स्ट्रक्चर बनाओ अमीबा के जैसा बना दो, इसको काटो एक जैसा कटेगा ही नहीं, या ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, एक जैसा होता ही नहीं है, एकदम अलग होता है, कैसा होता है अलग, समझ गए हमारी बात। चलिए आज के लिए 50 क्वेश्चन आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो टेस्ट 005 था उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, मैं आदित्य शंकर।